मेहंदी लगा रहे हैं दवा। ये किस चीज का स्टॉल है भला? मेहंदी का है ना? ये देखो मेहंदी पड़ी है, आपकी आ गई है ना पाकिस्तान से? ये ज्वेलरी वगैरह का स्टॉल लगा हुआ है जी। हाथ वाला पंखा, क्या यादें ताज़ा होगी। पुराने ज़माने में लोग इसको देखते थे। ये हाथ से बनाई की हुई चीज़ें जी, तैयार हैं। बोर हो रही हैं आप? तो कल रात से बोर थी, मीना बाज़ार जाना, अब आप बोर हो ही जा रही हैं। चलें, आप कोशिश करते हैं कि आपको एंटरटेन करें। दुआ आप जा मैंने क्या होने लगा? मूवी? हाँ जी, यहाँ पे अब हम देखेंगे जी मूवी। देखें कौन सी मूवी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुआ। अस्सलाम वालेकुम दुआ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ दुआ। आज का व्लॉग स्टार्ट करें? हाँ जी, चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ओके डैडी, रेडी होगी? कहाँ की तैयारियाँ हो रही हैं? हम ना, हाँ जी, किसी शो में जा रहे हैं। कौन से शो में जा रहे हैं? वो जो मीना बाजार है उसकी बात कर रही हैं आप? हाँ जी, लेकिन स्कूल में शो है। वो स्कूल में? हाँ जी, यहाँ पे इस्तांबुल में पाकिस्तान कम्युनिटी के आज गेट टुगेदरिंग है और वहाँ पे एक मीना बाजार टाइप कोई चीज होने लगी है, तो उसका हमें भी इन्विटेशन आया, तो अब हम उसके लिए जा रहे हैं। तो लेट्स सी, वहाँ जाके आपको भी दिखाते हैं वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। ठीक है दुआ, आपने मेक श्योर करना वहाँ पे एंजॉय करना है। मीना बाजार के बाद वो क्या दिखाएंगे हमें? मूवी। हाँ जी, मीना बाजार के बाद उन्होंने एक मूवी का प्लान भी रखा है, वो भी हमें दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर हम मूवी देखने गए तो इंशाल्लाह आपको वो भी बताएंगे। वो डॉल्फिन वाली होती है, व्हाटएवर जो भी होती है। दुआ, हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कौन सी वाली मूवी होती है। ठीक है ना जी? हाँ जी, चलो फिर आप चले। ओके लेट्स गो। और बड़े वाला टीवी होगा ना, बड़े वाले टीवी पे सिनेमा जो होता है ना उसकी स्क्रीन बड़ी होती है, फिर उसके ऊपर ही मूवी दिखाती है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। कौन से वाले एलिवेटर पे जाना है? इधर वाले पे, और मुझे लगता है वो ऑलरेडी किसी ने प्रेस कर दिया। हाँ जी, कर दिया ना प्रेस। चले आप भी कर दीजिए दोबारा। ये ऊपर जा रही है दुआ, ये वाला जो 3 है ना, ये ऊपर जा रही है। कैटो तो बैठी हुई है, लेकिन ये वाला वो देखें ऊपर जा रही है, तो हमने नीचे वाले के लिए प्रेस करना है ना। आप प्रेस किए हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये वाले में प्रॉब्लम है दुआ, बटन में। तो हमें अब ये देखो, ये वाला अब प्रेस हो गया ना। हाँ, ये ख़राब हो गया ना। ये देखें एलिवेटर, ये देखें ना, ये निशान आया हुआ है ना, इसका मतलब ये स्टॉप है इस एरिया पर, तो ये ख़राब हुई हुई है। तो इसलिए मैंने वहाँ से प्रेस किया, आपसे यहाँ से प्रेस नहीं हो रहा था ना, इसी वजह से मैंने यहाँ पे प्रेस किया। अब प्रॉब्लम ये है, ये दोनों 10 पे हैं, तो ये 9 पे आने लग गया। अब ये वाली लिफ्ट आएगी दुआ। हाँ जी, नहीं ग्लासेस क्यों हवा से गिरेगी दुआ? वेदर कैसा है? स्विमिंग पूल पे काफ़ी लोगों का रश है, लेकिन आज हम तो नहीं जा रहे, बिकॉज हम लोगों को जाना है। वेदर क्लियर है जी, क्लाउड सिर्फ जस्ट यही है। और दुआ मैडम यहाँ पे हैं। और दुआ, मीना बाजार के लिए हमें यहाँ से सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? मैदान। हाँ जी, मैदान से हम जो है ना अपनी बस या वो जो मिनी बस या टैक्सी वगैरह मैदान से लेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आगे का सफ़र जो है ना हम मैदान से स्टार्ट करेंगे। अब हम कहाँ जा रहे हैं दुआ? मैदान की तरफ। रात तक वहाँ पे रहेंगे? चलो ठीक है, वहाँ जाते हैं, अब देखते हैं। आपको तो ये भी नहीं पता मीना बाजार होता कैसे, सिर्फ नाम का पता चल गया, तो अब आप इतनी एक्साइटेड हुई हैं, तो लेट्स सी दुआ वहाँ जाके एंजॉय करती है। मैडम हवा चल रही है? कितनी हवा चल रही है? बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। आप ऐसी हवा चल रही है, किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही। चलो ठीक है, और नेकलेस आपका बार बार पीछे चला जाता है। नेकलेस किधर गया? ये तो बैग की चेन है ना, नेकलेस किधर गया आपका? वो देखो पीछे चला जाता है हवा से बार बार। आगे आ जाओ जी। दुआ मैडम जो है, 1 मिनट। हाँ जी, मैं 1 मिनट आपकी बात सुनता हूँ। और जी दुआ मैडम जो है मैदान आ गई हैं। हाँ जी दुआ, क्या बोल रही हैं आप? बैंक में से पैसे निकालूं? पैसों को क्या करना है? मीना बाजार में क्या पसंद आ जाएगा आपको? कोई चीज़ आपको पसंद आ जाएगी। चलो जी, अब दुआ मैडम की फरमाइश आई है जी, मीना बाजार में कोई चीज़ मैडम को पसंद आ गई, तो उसके लिए आप कह रही हैं जी पैसे निकालें। चले अब हम पैसे निकालते हैं जी। दुआ 500 काफ़ी होगा आपके लिए? 500? हाँ जी।
500 काफ़ी होगा ना? चले आपको पकड़ना है, आप कैसे नहीं पकड़ सकती क्योंकि ये वाला इसमें बॉक्स खुलेगा। चलो जी ये ले पकड़ने जी, ठीक है। कितने हैं? 500। चले अब हम चलते हैं जी वहाँ पे उस स्टॉप की तरफ, तो वहाँ पे देखते हैं हम बस लेते हैं या वट एवर जो भी चीज़ हमें मिलती है वो इंशाल्लाह। और जी हम मरमरा पार्क आ गए हैं जी, ये मरमरा पार्क मॉल है, किसी दिन आपको इंशाल्लाह इसके अंदर भी जाकर दिखाएंगे। बीच में इनकी मेट्रो बस चल रही है और ये दुआ मैडम जा रही हैं जी। अब यहाँ से हमने एक स्कूल है वहाँ पे जाना है, तो अब हम जाते हैं अपने स्कूल की। मैडम क्या कह रही हैं आप? मीना बाजार के अंदर ही जा रहे हैं ना? वो बारबेक्यू का क्या कह रही थी आप? बेटा हर जगह बारबेक्यू नहीं कर सकते, बारबेक्यू करने के लिए जगह होती है, ठीक है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अब आपका बस चले आप हर जगह ही बारबेक्यू कर लें। हाँ जी कहाँ पे आ गई आप? मीना बाजार हैप्पी हो गए? हाँ फुटबॉल भी खेलेंगे। ये देखिए इनका प्लेइंग कोर्ट है और दुआ मैडम जा रही है अंदर, लिखा हुआ है जी यहाँ पे वेलकम। दुआ म्यूजिक आ रहा है आपको? वेलकम टू मीना बाजार। हाँ जी दुआ मैडम कैसा लग रहा है आपको? अब पता लगा मीना बाजार कैसा होता है। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल भी लगे हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। दुआ आप कहाँ जा रही हैं? हाँ जी बताइए ना कहाँ जा रही हैं? देख रही हैं सनी कम्युनिटी का यहाँ पे स्टॉल है जी, यहाँ पे हर किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं खाने के और जो भी। और ये न्यू विजन स्कूल है जहाँ पे आज पाकिस्तानी कम्युनिटी का फंक्शन है और दुआ मैडम स्टॉल्स पे जा रही हैं। लस्सी देखें कोई चीज़ पसंद आए जी, यहाँ पे स्टॉल है, यहाँ पे लोग मेहंदी लगा रहे हैं। दुआ ये किस चीज़ का स्टॉल है भला? मेहंदी का है ना? ये देखो मेहंदी पड़ी है, आपकी आ गई है ना पाकिस्तान से। और यहाँ पे कुकीज़ वगैरह, ये ज्वेलरी वगैरह का स्टॉल लगा हुआ है जी। ये एक और स्टॉल, यहाँ पे भी ये ज्वेलरी और कपड़े वगैरह लगे हुए हैं जी। और ये बुक्स हैं बच्चों की, अल्फाबेट टाइप, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक। दुआ आपको ये बुक पसंद आ रही है? ये वाली बुक्स देखिए जी, ये आंट वाली है, हाथ वाला पंखा, क्या यादें ताज़ा होगी, पुराने ज़माने में लोग इसको देखते थे। क्या कर रही है दुआ? हवा ले रही है। आप क्यों सैड होगी? आपके लिए भी नहीं देख रही, सिर्फ अपने लिए ही देखी जा रही हैं, ये तो गलत बात है ना दुआ? दुआ के लिए कुछ नहीं देखा जा रहा। हाँ जी मेरे लिए भी कुछ नहीं देखा जा रहा, मोम अपने लिए ही कपड़े मपड़े देखी जा रही हैं। हाँ जी ऐसे ही हो रहा है ना? हाथ से बुनाई की हुई चीज़ें जी तैयार हैं। दुआ आपको कुछ पसंद आ रहा है? हाँ जी कुछ भी नहीं पसंद आ रहा, बोर हो रही हैं आपको? उन्होंने कैसे पहचाना कौन थे? हाँ जी दुआ को जी यहाँ पे दुआ के सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं जी, हमें तो किसी ने नहीं पहचाना है। यहाँ पे लोग बोल रहे हो ये तो लोग वाली दुआ है, हमें तो यहाँ लोगों ने नहीं पहचाना, तो वो दुआ को देख के उन्होंने पहचान लिया जी कि ये दुआ मैडम है। दुआ की पब्लिसिटी हमारे से ज़्यादा हो गई है इसका मतलब है। दुआ ऐसे ही है हो रही हैं? हाँ जी दुआ बोर हो रही हैं आप? तो कल रात से बोर थी, मीना बाज़ार जाना, अब आप बोर हो ही जा रही हैं। चलें अब कोशिश करते हैं कि आपको एंटरटेन करें। दुआ चना चाट और गुलाब जामुन, क्या बोल रहे हैं? सही। ये जी दही भले का चाट है जी स्टॉल। और दुआ मैडम को हम ये चीज़ें लेके नहीं दे सकते क्योंकि दुआ मैडम का गला ख़राब है जी। ये कपड़ों का स्टॉल है जी, क्या कह रही है दुआ? ऊपर चलें अब। ये दुआ मैडम को पहले मीना बाजार आने का शौक था और अब ये मैडम यहाँ पे बोर हो रही है। बेटा 5:30 पे है वो ऊपर वाला प्रोग्राम जो है। आपको मीना बाजार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले तो आप बोर हो रही थी, अब आपको क्या भूख लग रही है? वहाँ पे इतने स्टॉल लगे हैं, आपको क्या कुछ खा लो, आप कह रहे कुछ नहीं खाना, वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही? नहीं लग रही, तो फिर आप क्या करें, आपकी भूख का मैं फिर कुछ और चीज़ देखूँ यहाँ पे? ये आप कहाँ पे हैं? ये फुटबॉल का ग्राउंड है जहाँ पे आप मैडम खड़ी हुई हैं, आपको पता फुटबॉल का पता है ना, फुटबॉल खेलते हैं ना, तो ये उसका ग्राउंड है। ये देखिए एक गोल इस तरफ है, ठीक है, और वन इस तरफ है दुआ। यहाँ पे बाहर वेदर ठीक है, अंदर थोड़ा सा हबस भी हुआ हुआ है। हाँ जी ऐसे ही है ना?
हाँ जी चले आप देखते हैं आपके खाने के लिए कुछ करते हैं दुआ। अब अंदर से तो आपका गला खराब है, इस वजह से आपको अंदर से तो कोई चीज पसंद नहीं आ रही। हाँ जी दुआ मैडम, ये किधर बैठ गई आप? मेरा खाना खाने बैठ गई, हमें मुझे भूख लग गई थी। आपको भूख लगी थी इसलिए खाना खाने बैठ गई? मुझे भूख लगी थी मैं इसलिए रेस्टोरेंट में बैठ गई। भूख लगी थी इसलिए रेस्टोरेंट में बैठ गई? तो आपको घर से खाना खा के आना चाहिए था ना। घर में खाना खाया नहीं था आपने? रोटी खाई थी। रोटी खाई थी फिर भूख लगी है? हाँ जी फिर भी भूख लगी है आपको? चलो ठीक है आप देखते हैं दुआ मैडम क्या मंगवाती हैं। एक चीज़ और हुई है जी दुआ, आपको ये स्कूल पसंद आ गया? हाँ जी। तो अब दुआ का स्कूल पसंद आया, हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह भी लिया है। बट द वर्स्ट पार्ट इज ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब लिटरली इतना दूर है कि अदर डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग ऐसे नहीं होते में रहते हैं, ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है भी, लेकिन अब दुआ को सितंबर में वो लोग दाखिल करने का बोल रहे हैं कि जब दुआ 4 साल की हो जाएगी तो फिर वो दुआ को दाखिल करेंगे। लेकिन स्टिल हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा इतनी दूर दुआ को अकेला भेजना सेफ है कि नहीं। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि हम लोग क्या दुआ को इतनी दूर अकेला भेजें कि ना भेजें, बिकॉज मेरा तो दिल नहीं मान रहा। मैं तो सोच रहा हूँ उधर घर के पास ही कोई स्कूल देखा जाए, लेकिन स्टिल आप लोग भी हमें कमेंट्स में बताइए, मशवरा दीजिए हमें क्या करना चाहिए। कहाँ पे आ गई आप? क्या होने लगा मूवी? हाँ जी यहाँ पे अब हम देखेंगे जी मूवी, देखें कौन सी मूवी दिखाते हैं आते हैं। और दुआ मैडम बहुत एक्साइटेड है मूवी के लिए, मूवीज़ बहुत देखना स्टार्ट हो गई है। दुआ आ जाए, दुआ दुआ आगे वाली सीट पे चलते हैं, आ जाए लेट्स गो। किधर आ गई हैं आप, क्या करना चाह रही हैं यहाँ पे? मूवी स्टार्ट होने लगी है। मूवी स्टार्ट होने लगी है? आपको मूवी का इतना शौक है? हाँ जी पता है कौन सी मूवी लग रही है? नहीं। वो लेकिन लगने लगी है लंदन नहीं जाऊँगी। कौन सी? हाँ लंदन नहीं जाऊँगी। हाँ जी इट्स अ ट्रू इंटरनेशनल स्कूल, आई एम वेरी थैंकफुल। अपनी जुबान में बात करने से ज़्यादा अच्छा है। हमारे स्कूल के जो मालिकान हैं वो बेसिकली इजिप्ट से हैं, बट ये स्कूल एक सही मल्टी नेशनल स्कूल है। यहाँ पर रशियन कम्युनिटी, अफगान्स, सूडानियंस, पाकिस्तानीज, इंडियंस, हर तरह के लोग हैं। एंड वी आर इन अ ह्यूज नंबर, यानी किसी और स्कूल में आप जाएंगे आज की मूवी को मैं तो काफ़ी दिनों से आप लोगों से बहुत कुछ कह रही हूँ, हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन चल रही है फोन्स के ऊपर। अच्छा अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अभी हम मूवी शुरू करेंगे, अगर बीच में कोई भी जाना चाहे टॉयलेट वगैरह जाना चाहे। मूवी स्टार्ट होने लगी है, मैं कह रहा हूँ घर पर चलते हैं, रहने देते हैं, मूवी नहीं देखते। हाँ जी देखनी है, लाइट चली गई है तो लाइट उन्होंने बंद की है। क्यों बंद की है? ताकि मूवी सही लगे। ताकि मूवी सही लगे। हाँ एंगेजमेंट की जगह अरेंजमेंट हो गई। क्या कह रही थी, किसका पूछ रही थी? ये देखे ये था तो बना हुआ ना जी। क्या कह रही हैं? यहाँ से व्यू देखना। हाँ जी वो सामने क्या है और वो सामने दुआ का एन लोगो है जी, यहाँ से भी नज़र आ रहा है। एन लोगो नज़र आया आपको यहाँ से? हाँ जी ये क्या बना हुआ है वॉल पे? ये सन है। अच्छा जी ये क्या है? अर्थ। इसमें दुआ रहती है। और ये क्या है? ये चंदा बाबू है, मून है। ये विनस है, मर्क्यूरी, जुपिटर, मार्स, यूरेनस, प्लूटोन, नेपच्यून एंड सैटर्न। बटरफ्लाई बना हुआ है। हाँ जी आपने एंजॉय किया? कितना एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये भी बना हुआ है। हाँ जी दुआ बैठे आप इंजॉय कर रही है? चले फिर आज का व्लॉग यहाँ पे ही फिनिश करें। तो वो चैनल को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।